आजकल के बच्चे गजब डहा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब डहा रहे हैं, परीक्षा में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, परीक्षा में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो सात आठ भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते थे। आगे समझना और इसकी वास्तविकता तक आप पहुंचना, तब जाकर के सबके मिला के 60-70% आया करते थे। हौसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं हुए, और एक साल में दो भाइयों से ज्यादा कभी पास नहीं हुए, घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वो ही चला दी। छोटा भाई हमेशा कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया भाई साहब अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया और पहली कक्षा में दाखिला कराया था। 5 साल बाद पहली कक्षा से ही निकलवा लिया गया। भाई साहब ध्यान रखना, मुझे तो याद है जब 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 43% आए थे, 43% आए थे, तो घर वाले क्या रिश्तेदार तक फूले नहीं समाए थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा तो भाई साहब अद्भुत घड़ी थी और बड़ी बुआ दरवाजे पर आरती का थाल लेकर खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। सुबह की सवा मनी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट को शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो, हिंदी की कुछ कहावत मुहावरे साथ साथ में चल रहे हैं, यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए। पिताजी तो लोगों को धन्यवाद कहते कहते थक गए। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया कि इसकी पढ़ाई जब तक चलेगी देसी घी की घर में अखंड ज्योत जलेगी। ये अलग बात है कि पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। भाई साहब छह महीने पहले ही ज्योत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तब अचम्मा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा। आखिर मेरा एडमिशन कॉरेस्पॉन्डेंस में हुआ। कॉरेस्पॉन्डेंस जानते हैं? पत्राचार। यानी सब कुछ रह गया धरा का धरा, आखिर एडमिशन कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार में मिला। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। अरे कई बार तो भाई साहब सिलेबस भी एक्सपायर हो जाया करता था। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते थे, अब ध्यान रखना सुनना, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते थे। वही बच्चे आज विजेता बन गए हैं। उस समय के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए हैं। लेकिन आज बच्चे न जाने किस तनाव में रहते हैं। हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन
बच्चों का बचपन बस्ते के तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ के तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर और मोबाइल के भेंट चढ़ गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर और मोबाइल के भेंट चढ़ गया। धन्यवाद।